तो हम जो है धीरे धीरे स्लोप पे, ये स्लोप है, पूरा स्टीप है ये पहाड़, ये स्लोप पे हम जा रहे हैं। और यहाँ पे आप आओगे कभी घूमने तो आप अपने साथ खाना भी थोड़ा ले आना, स्नैक्स वगैरह। और आप जो है यहाँ का अगर प्रोग्राम करते हो कि केसकाल घाट घूमने जा रहे हैं तो आप पिकनिक व्यू से अच्छा है पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए आप में। और आप जो है पानी पीने का व्यवस्था ज़रूर रखने आपके साथ, क्योंकि पसीना बहुत निकलेगा। अभी आप देख सकते हो मैं काफ़ी पसीने से लथपथ हूँ, पिछले 2 घंटे लगातार यात्रा किए। और यहाँ पर अगर ज़रा सा भी अगर आप इधर उधर हुए तो रास्ता भी भटकने का डर है, क्योंकि कठिन रास्ते हैं। ओके, सो हम जो है, नहीं नहीं रास्ता तो यही है साहब, इधर से ही सब लोग गया है, बहुत बड़ा काटा है। ऐसा जाएंगे, हटिए हटिए हटिए, हाँ आपका जूते में दबाइए, आपका जूते में दब जाएगा वो। ओके ओके, तो अभी हमने सेफ्टी सूट पहना है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप यहाँ आओ तो जीन्स पहन के आना, और जीन्स के साथ साथ आप सेफ्टी सूट भी पहन के आना, क्योंकि कांटे भरे रास्ता है। आप आ रहे हो साहब? ये हमारे डिपार्टमेंटल साहब हैं और हमारे साथ आए हैं, मैं कॉन्ट्रैक्टर के साइड से हूँ। तो जो है अभी हम आए, अब चूँकि हम जीन्स पहने हैं तो इसमें हमें, मैं बहुत रिलैक्स हूँ चलने में, क्योंकि मेरा सेफ्टी शू और मेरा जीन्स दोनों मुझे सेफ कर रहा है। देखो साहब कांटे से बच के आना। काफ़ी पसीना निकला आज हम लोग का। मैं कुल मिला के यही कहूँगा कि एक हमारी जो इंजीनियरिंग है, काफ़ी इंटरेस्टेड फील्ड है हमारा ये, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, गर्व महसूस करते हैं देश की सेवा करते हुए। और हम बिल्कुल वैसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, बनाना हमें है रास्ता, हम लोग को रास्ता बनाना है। तो रास्तावा बनावेला है ना हम जा रहे हैं, और रास्तावा बनाने के लिए जब पहले जो है बोला जाता था पहाड़ी एरिया में रास्ता कैसे बनता है, तो ऐसा कहते थे बुजुर्ग लोग कि गधा को जो है पीठ पे, गधे के पीठ पे चूना के बोरी को रख दिया जाता था और उसमें एक छेद कर देते थे, उसको होल कर देते थे। तो गधा जो है कभी भी आराम वाले रास्ते से चलता है, तो वो जो है जैसे जैसे चलता था उसी को रास्ता मान लिया जाता था। तो अभी तो वो भी नहीं कर सकते थे हम, अभी चूँकि सब जो है सर्वे का बहुत सारा इक्विपमेंट आ गया है, और हमें यहाँ पे चूँकि जो है IRC कोड्स को फॉलो करना होता है ना, तो कोड्स के अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम आर हमको देखना होता है कि मिनिमम आर हमको मेंटेन हो। अब चूँकि हम जो 100 किलोमीटर के स्पीड से हम रोड बनाना है हमें, है ना, तो उसके लिए हमें जो है कम से कम 400 का आर चाहिए, जो डिजरेबल रेडियस है हमारा, है ना, वो 400 है। एब्सोल्यूट मिनिमम 250 तो चाहिए ही चाहिए, माउंटेनियस में अगर जाएंगे तो फिर भी मिनिमम हमें 150 का चाहिए, और एब्सोल्यूट मिनिमम उसमें भी जो है जब नहीं कुछ मिलेगा तो 75 का। यहाँ पर जो है हमारा रोड का जो MSA है 70 MSA पे डिजाइन है रोड हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ट्रक्स को, हैवी व्हीकल्स को, तो इस कारण से हमें जो है वो सब भी देखना होता है। तो ये है जॉब्स, अभी आप हम इसमें पूरा छोटे छोटे झाड़ हैं इसमें हम देखिए जा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह का ना, अगर 5 मीटर पे कोई खड़ा है, 2 मीटर पे, 3 मीटर पे, तो भी पता नहीं चलेगा, इतने बड़े बड़े झाड़ हैं इसमें, उसमें हम जो है डूब जा रहे हैं बिल्कुल, मानो जो पेड़ों का ये है समुद्र है, पेड़ जो है समुद्र की तरह है फैले हुए यहाँ पर, जिधर भी देखेंगे आप तो सिर्फ जो है, चलिए 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 रास्ता तो हम खुद ढूंढ लेते हैं। अच्छा, तो ये हम ट्रैकिंग कर रहे हैं आज, इसको हम माउंटेन ट्रैकिंग है कर रहे हैं, और हमारा जो है यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, हमने पानी का जो बोतल साथ रखा था वो भी ख़त्म हो गया है, और अब हम धीरे धीरे अपना जो है जो आउटर एरिया है, जो सीट यहाँ से नियरेस्ट जो विलेज है उसको ढूंढ रहे हैं कि वहाँ कैसी तरह पहुँचा जाए ताकि हमें पीने का पानी उपलब्ध हो पाए। हमने खाना भी नहीं खाया है अभी तक, और वहीं पर हम लंच वगैरह करेंगे। तो ये है यह है हमारा रास्ता पूरा, हमने फ्लैग्स लगाए थे सेंटर लाइन को चेक करने के लिए, आप देखेंगे एक आगे फ्लैग पीछे गए, एक वहाँ फ्लैग्स है आगे में, ऐसे है, वैसे आपको दिखेगा बड़ा अच्छा नज़ारा।
तो थोड़ा सा सतर्क से होकर चलना है, क्योंकि रॉक्स वगैरह है। आप देखो ये रॉक्स है, ये रॉक पे हमें चढ़ चढ़ के पार करना है। क्या ये, और बीच में लताएं, लता समझते ना, लताएं हैं। लता जो है, अब वो कहाँ से लता यहाँ क्यों आ गई भाई? लता वो पैरों को पकड़ लेती है, और अभी हमारे पास समय नहीं है लता के लिए, तो हम लता को धीरे से निकाल देते हैं। आगे जाओ आप, तो लता बहन सॉरी, ये रास्ते नहीं है, रास्ते बना के चलना पड़ता है हमें। अब हमें दिख नहीं रहा है कि लोग कहाँ गए, किस रास्ते से गए। ओ माय गॉड, ओ खोने का डर। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हुए पूरी टीम यहाँ पे, पूरा देखो पूरा स्टीप, जंगल ही जंगल। आप यहाँ पे एक बार पूरी तैयारी के साथ आइए और एक पिकनिक मना सकते हो आप। तो हम साथ साथ टूर के साथ साथ ना, हम अपना रोड का जो अलाइनमेंट है उसे भी चेक करते जा रहे हैं। सो यहाँ पे अकेले मत आइएगा कभी भी, है ना, हमेशा एक टीम के साथ आना, ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहेगा, और काम करने के लिए भी, पिकनिक मनाने में भी आनंद आएगा। चलो थैंक यू। तो अभी जो है सब एक दूसरे की मदद करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि पहले हमें अब पानी की खोज भी, अलाइनमेंट के साथ साथ हम पानी को ढूंढ रहे हैं। हम इस टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप करने जा रहे हैं। जब ये रोड बन जाएगा ना, तो लोगों के लिए इंडिया में किसी कोने को हो, वर्ल्ड में किसी कोने को हो, एक बार उनसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर यहाँ पर आके घूमें और इस वैली का आनंद लें। केसकाल वैली है, केसकाल का रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। ओ माय गॉड, आज हमने पा लिया, ये देखिए। ओह अच्छा, एक भालू है। ओ माय गॉड, चलो देखो भाई, एक भालू भी है आगे से, थोड़ा बच के। कोई बात नहीं, हम लोग 6-7 लोग हैं, हम लोग भी तो भालू ही हैं, कोई टेंशन नहीं है, है ना। हैं? मेरा ना, तो पैदल पैदल चल रहे हैं भाई साहब, है ना। काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा। ओह, फर्स्ट टाइम मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, पहले आया था लेकिन इतना डीप अंदर तक नहीं आया था। फर्स्ट टाइम जो है हम ट्रैकिंग करते हुए चल रहे हैं। काफ़ी स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्टीप है एकदम बिल्कुल। अभी यहाँ पे बहुत एकदम बिल्कुल स्टीप है। तो सब लोग जा रहे हैं, हम लोगों को खोजा। अभी एक उधर से भालू भी था, तो हम लोग भी काफ़ी हैं, तो हम लोगों को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि और लोग हैं, हम लोग टीम है। क्या हो गया, क्या हुआ भाई, एनी प्रॉब्लम? ये देखिए पूरा पहाड़, पूरा स्लोप, घाट वैली एकदम। अब इसमें हमें रोड बनाना है, ठीक है, ये पहाड़ों में हमें रोड बनाना है। एक मिनट, हमारा लेस खुल गया है जूते का, मैं थोड़ा कस लूँ, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पूरा नीचे जो है लता फंस जाती है पैर में, गिरने का डर है, इसलिए मैं लेस कस लेता हूँ।